क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दोनों वनडे मैच टीम इंडिया हार चुकी है, अब बस तीसरे मैच को जीतकर बस लाज बचानी है। लेकिन यहां भी भारतीय टीम, भारतीय थिंक टैंक गंभीर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कप्तान और कोच तीसरे वनडे मैच में मजबूत नहीं बल्कि बेंच टीम के साथ खेलना चाहते हैं। इधर लगातार दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट के विरोधी गंभीर जैसे लोग तो सुबह शाम कप्तानी छोड़ने की ही मांग कर रहे हैं। तो अब विराट के करीबी और विराट के बेहद करीबी दोस्त माने जाने वाले दिग्गज भी विराट को गालियां ही दे रहे हैं। विराट के बेहद करीबी आशीष नेहरा और वीरेंद्र सहवाग तक ने कोहली पर सवाल खड़े कर कप्तानी छोड़ने तक को कह दिया। तो क्या वाकई में विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे? तो क्या कहा इन दिग्गजों ने, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को तुरंत शेयर करें और विराट की कप्तानी पर अपनी राय हमें जरूर दें। तो आशीष नेहरा और विराट कोहली की करीबी किसी से छिपी नहीं है। विराट ने नेहरा को आरसीबी में बॉलिंग कोच तक बनवाया था और नेहरा भी हमेशा विराट की तारीफ ही करते रहे। लेकिन इस बार आशीष नेहरा ने खुलकर विराट को गालियां दी हैं, विराट की कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए। आशीष नेहरा ने कहा कि विराट से मैदान में कप्तानी हो ही नहीं रही थी, विराट बेहद जल्दबाजी में फैसले ले रहे थे। यही नहीं, नेहरा ने कहा कि विराट ने आधे फिट हार्दिक पांड्या और अनुभवहीन मयंक अग्रवाल से बॉलिंग कराई, जो कि बेहद गलत फैसला था। और अगर विराट के फैसले शुरुआत में ही सही होते तो विराट को इन दोनों से गेंदबाजी नहीं करवानी पड़ती। यहां तक कि नेहरा ने शमी और बुमराह से नई बॉल से सिर्फ दो ओवर कराने पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आप अपने स्ट्राइक बॉलर्स को पांचवे ओवर में ही नहीं बदल सकते, जबकि जो खराब गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आशीष नेहरा ने खुलकर कहा कि या तो विराट कोहली का कप्तानी करने का मन ही नहीं लग रहा या फिर वो जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं, और अगर विराट कप्तानी को बोझ समझ रहे हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें, उन्हें कप्तानी से चिपके रहने के लिए किसी ने थोड़ी कहा है। यानी खुले तौर पर आशीष नेहरा ने विराट से कप्तानी छोड़ने तक की बात कह दी, सलाह दे दी, जबकि नेहरा विराट के बेहद करीबी नहीं बल्कि सबसे करीबी लोगों में से एक है। वहीं दिग्गज वीरेंद्र सहवाग भी विराट के करीबी माने जाते हैं और सहवाग तक ने भी कह दिया कि विराट कोहली से ऐसी कप्तानी करने की उम्मीद नहीं थी। और सहवाग ने कहा कि अगर गेंदबाजी रोटेशन कुछ बेहतर होता तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। अब कुल मिलाकर वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा, जो कि विराट के करीबी माने जाते हैं, वो विराट पर ही बरस पड़े और विराट की कप्तानी पर सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में उम्मीद है कि तीसरे वनडे मैच में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, विराट की बैटिंग में भी और विराट की कप्तानी में भी। तो आपका क्या मानना है, आशीष नेहरा की बात से आप कितना सहमत हैं? क्या विराट को कप्तानी खुद से ही छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को हटाए जाने तक का इंतजार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विराट को हटाकर किसे बनाना चाहिए टीम इंडिया का नया कप्तान, और वीडियो को शेयर भी करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कैनबरा के मैदान में खेला जाएगा। पहले दो मैच सिडनी में हुए थे और सिडनी के पास के ही शहर कैनबरा में ये तीसरा वनडे मैच होगा। अब इस सीरीज में पहली बार भारतीय टीम को अलग मैदान में खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि मैदान अलग होगा तो पिच भी अलग होगी और मैच के हालात भी अलग होंगे। अब पहले दो मैचों में शर्मनाक हार मिली तो तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया बदली बदली नजर आएगी। जी हां, मैच से पहले हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा इशारा दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि टीम में चार खिलाड़ी बदले जाएंगे, तो चौथे कप्तान विराट कोहली भी बाहर हो जाएंगे और राहुल को पहली बार वनडे में कप्तानी करने का मौका मिलेगा और पांच खिलाड़ी बदलकर आधी टीम चेंज हो जाएगी। तो क्या कहा रवि शास्त्री ने, कैसे दिया बड़ा इशारा, कौन कौन खिलाड़ी हो जाएंगे बाहर, किसकी होगी एंट्री, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, टीम में बदलाव को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तो पहले दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया पर खासे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तीसरे वनडे मैच में जीतने का दबाव आ गया है, लेकिन जब फैंस जीतने की बात कर रहे हैं तो वहीं उसी वक्त पर हेड कोच रवि शास्त्री बेफिक्र हैं। जी हां, हेड कोच रवि शास्त्री ने एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज पोर्टल से बातचीत की और कहा कि पहले दो वनडे मैच हारकर हम सीरीज हार चुके हैं और तीसरा वनडे मैच अब डेड रबर की तरह है। शास्त्री ने कहा कि अब हमारी नजर T20 और टेस्ट सीरीज पर है, वनडे पर नहीं, और इसीलिए तीसरे वनडे में हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेंगे। इतना ही नहीं, रवि शास्त्री ने यहां तक इशारा दे दिया कि T20 सीरीज की खातिर कप्तान विराट कोहली भी तीसरे वनडे मैच में रेस्ट ले सकते हैं। अब शास्त्री के ही बयान को आधार बना लिया जाए तो टीम में 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं। जी हां, आधी टीम ही बदल जाएगी। तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं टीम में, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला बड़ा और जरूरी बदलाव ओपनिंग जोड़ी में दिखेगा। शिखर धवन तो जरूर खेलेंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि मयंक ने पहले दोनों ही वनडे मैचों में सेट होने के बाद गैर जिम्मेदारी से अपने विकेट गंवाए थे और बेंच पर बैठे शुभमान गिल को मयंक की जगह पर ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। तीसरे नंबर पर वैसे तो कप्तान विराट कोहली ही खेलते हैं और वही खेलेंगे, लेकिन अगर विराट कोहली यहाँ पर आराम करते हैं तो तीसरे नंबर पर मनीष पांडे को खेलने का मौका मिल सकता है। पांडे जी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऊपर खेलने का मौका नहीं मिला, हमेशा पांचवे या फिर छठे नंबर पर ही पांडे ने बैटिंग की, और इसीलिए यहां पर मनीष पांडे तीसरे नंबर पर खेलने आ सकते हैं और ये टीम में दूसरा बदलाव होगा। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर ही खेलने आएंगे और अय्यर को अपने हाथ दिखाने ही होंगे, क्योंकि विराट कोहली की जगह पर श्रेयस अय्यर को टेस्ट मैचों में भी टीम में शामिल किया गया है, लिहाजा अय्यर को अपने सिलेक्शन को सही साबित करना होगा। पांचवें नंबर पर केएल राहुल ही खेलने आएंगे और विराट कोहली ने रेस्ट लिया तो राहुल को कीपिंग के साथ साथ कप्तानी भी करनी होगी और राहुल पहली बार वनडे मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या ही खेलेंगे, हार्दिक तो अब गेंदबाजी भी करने लगे हैं और तीसरे वनडे मैच में हार्दिक 3 या 4 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें फिटनेस हासिल करने में आसानी होगी। सातवें नंबर की बात करें तो वहां पर रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे। जडेजा ने दूसरे वनडे मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी तो सबसे किफायती गेंदबाज भी जडेजा ही रहे थे, इसीलिए जडेजा की जगह फिलहाल पक्की है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो रवि शास्त्री के इशारे के मुताबिक यहां 2 नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। गेंदबाजों में पहला और टीम में तीसरा बदलाव स्पिनर के रूप में हो सकता है। युजवेंद्र चहल फाइनली टीम से बाहर होंगे और बेंच पर बैठे कुलदीप यादव को यहां मैच खेलने का मौका मिल सकता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। टीम का चौथा बदलाव नवदीप सैनी के रूप में होगा। नवदीप सैनी टीम से बाहर होंगे और सैनी की जगह पर यॉर्कर किंग टी नटराजन की टीम में एंट्री होना करीब करीब तय है। सैनी की ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने जबरदस्त पिटाई की थी और नटराजन को उनकी जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी बदलाव जसप्रीत बुमराह के रूप में होगा। जी हां, नाम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन बुमराह को भी यहां आराम दिया जाना करीब करीब तय है और बुमराह की जगह पर शार्दुल ठाकुर को यहां वनडे मैच में खेलने का मौका मिलेगा और पहली बार कंगारों की धरती पर शार्दुल ठाकुर कमाल करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर 2 बल्लेबाज और 3 गेंदबाज टीम में बदले जा सकते हैं, जिसका हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा इशारा दिया। और आपका इस बदलाव पर क्या कहना है, कितने जरूरी हैं टीम में ये बदलाव, आप भी कमेंट करके जरूर राय दें और कमेंट बॉक्स में अपनी टीम भी बताएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।